शुभकामनाएं और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने मिल करके हम लोग काम करेंगे और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है हराने उस पर काम करने तो हाथ पैर फूला हुआ है भाजपा का। असल में ये सब लोग को तीन तीन महीना पर लकुआ लगता रहता है, लेकिन ना पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है, ना नीतीश कुमार की अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से अपनी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। ललन सिंह के पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने खुद पार्टी की कमान संभाल ली है। इस पर डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा, बीजेपी के माहौल बनाने से कुछ नहीं होने वाला, इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुट ही रहेगा। सर, नए अध्यक्ष बने हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार क्या कहेंगे? हम नया अध्यक्ष बने हैं, उनका पार्टी का निर्णय रहा है, तो पहले भी अध्यक्ष रहे ही हैं लगातार और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने मिल करके हम लोग काम करेंगे और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है हराने उस पर काम करने। बीजेपी उनके बनने के बाद बीजेपी बराबर हमलावर है, कह रहे हैं कि अब वो जो है आप आरजेडी से हटेंगे, ललन सिंह को हटा दिया गया क्योंकि वो सरकार में अब उनको क्या लगता है नहीं लगता है, जनता का मुद्दा तो उठाना है नहीं, जनता और काम से कोई मतलब है नहीं। इस तरह की चीज़ों में कूद कूद करके अपना काल्पनिक बयान देते रहते हैं तो उसको जस्टिफाई क्यों करना? अगर कोई चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है, तो हम अपना फालतू समय उस बातों पर बयान दे करके, सफाई दे करके क्यों हम व्यर्थ करें? तो कोई मतलब ही नहीं है। असल में चिंता उन लोगों की है कि डरे हुए हैं एकदम। अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उनका आप समझ लीजिए कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम शिथिल पड़ गए, क्योंकि जो जिस हिसाब से सरकार महागठबंधन में काम हो रहा है और जिस हिसाब से सोशल समीकरण, या आप देख लीजिए दो दल हैं जो बड़ी पार्टियां हैं बिहार की एकजुट हुई हैं, तो उससे डरे हुए लोग हैं। तो महागठबंधन का वोट बैंक भी अगर आप देखें कभी भी, तो 15 में क्या रिजल्ट था, 170 पार था कि नहीं था? तो आप समझ लीजिए ये तो पहली बार है महागठबंधन जब जदयू शामिल हुई है और हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाथ पैर फूला हुआ है भाजपा का, तो इस तरह का बयान दे करके थोड़ा अपने आप को जो है। वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द की खबर को तेजस्वी यादव ने खारिज किया है, सुनिए क्या कहा। जानते हैं ना कि एक ही साल का हमारा पासपोर्ट जो है वैलिडिटी जो है को मिलता है, और उसमें से 6 महीना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी 6 महीना आप इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको वीज़ा के लिए वो स्पेस चाहिए होता है, वैलिडिटी स्पेसिफिकली चाहिए होता है। तो सोचना सब तो प्रक्रिया में है ही, सब चल ही रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। अरे भाई सब तो चल ही ना रहा है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, खबर आ रही है कि आपने रद्द कर दिया है, इसको लेकर पूछा। अभी कोई ऐसा नहीं हुआ है सर, लेकिन आप एक बात समझिए, ये सब चीज़ें तो सरकार के जो काम होते हैं वो हम लोगों को करना पड़ता है। पिछले बार भी हम लोग जो है जापान होके आए हैं, वहाँ बिहार के लोग जो इतने बड़े तादाद में मिले, बहुत लोग जो है पहली बार बिहार का पूरे देश के तौर पर जो जाटा का जो रहता है आपका टूरिज़्म को लेकर के, उसमें बिहार का एक अलग से स्टॉल रहा, बड़ी खुशी की बात है। और उस स्टॉल में जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी आए देखने, तो ये तो उपलब्धि है। तो अब तो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम तो बनता ही रहता है, ऑफर आते रहते हैं, अभी लंदन से भी आया था, बर्लिन से भी आया था, लेकिन टीम जाती है, सरकार के लोग जाते हैं। एक तरफ आप लोग नौकरी दे रहे हैं, नियोजित टीचर को परमानेंट कर रहे हैं, कार्सल से, असल में यही बात है कि मुद्दे को डाइवर्ट करना, और कुछ मानसिकता है ऐसी, कुछ लोग हैं बैठे हुए मीडिया चैनलों में भी कि भाई जब कास्ट सेंसस की बात आए तब मुद्दा को दबाना, डाइवर्ट करना स्टोरी, जो फिजूल की बातें उसको हाईलाइट करना, ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखाना, आरक्षण जब बढ़ाया गया तो कुछ और न्यूज़ चला देना। अब
जब इतने बड़ा निर्णय राज्य सरकार ने लिया कि जितने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख के आसपास हैं सबको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तब ये लोग बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो अब टूट मच रही है। असल में ये सब लोग को 3-3 महीना पर लकुआ लगता रहता है, इन लोगों का वैलिडिटी जो है ना 3 महीने का रहता है, 3-3 महीना पर उछलते रहता है, 3 महीना बाद 2 दिन चलाएगा न्यूज, उसके बाद पस्त रहेगा, फिर जागता नहीं, नहीं कुछ करना है तो फिर उछलता है। यही काम कर रहा है सरकार, बहुत दिन नहीं चले कुशवाहा जी, लोग तो चाह रहे हैं कुशवाहा जी तो हर जगह हो ही ना लिए भाई, तो सब उनकी समझदारी तो और बढ़ गई है, हम लोगों का तो सम्मान तो है ही ना भाई उनके प्रति, हम लोग तो चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े वो भी, लेकिन किस्मत ही उनका साथ नहीं दे पाता, या उनका निर्णय ही, या वो खुद ही जो है अपने आप को कहाँ ढकेल देता है, लेकिन हम लोग तो शुभचिंतक हैं, कुछ लोग तो आस लगाए हुए उधर भी, अरे भाई एक ही चीज पूछिएगा अलग अलग तरीके, कुछ अब भाजपा NDA ये क्या है मतलब, फिर आप लाइएगा सूत्र, एक बार सूत्र लोग को सामने जरा लाइए ना। वहीं JDU नेता KC त्यागी ने कहा, ललन सिंह के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक और विचारों के प्रधानमंत्री हैं। जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया। चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसले करती है उसका राष्ट्रीय परिषद से अनुमोदन कराना आवश्यक होता, मैंडेटरी होता, लीगली होता, तो एक तो ये जानकारी है विधिवत तरीके से नीतीश कुमार जी पार्टी के अध्यक्ष हो गए, और पिछले 8 दिन से ये हमें प्रसन्नता भी है कि छोटी पार्टी बड़े होते हुए भी इतना स्पेस आप लोगों ने दिया हमें, नेगेटिव पॉजिटिव उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ना पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है, ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम NDA में जा रहे हैं, तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को जो 4-5-6-7 दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरा, 4 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं जिसमें पॉलिटिकल रिजोल्यूशन है, इसको सर्वसम्मति से पास किया गया है। दूसरा, जाति आधारित गणना इसको राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एजेंडे में भी रहेगा ये, और इसको हम लोग बिहार से बाहर भी प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। जनवरी में कि अगले महीने नए साल में नीतीश कुमार जी जन जागरण के लिए भी निकलेंगे जिसमें झारखंड से इसकी शुरुआत की जाएगी। नंबर 3, संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरह से संसद की सुरक्षा के महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए सांसदों को निलंबित किया गया है वो अफसोसजनक है, शर्मनाक है, और ऐसा भारतीय लोकतंत्र में इस तरह का कभी नहीं हुआ, इसकी भी निंदा की गई। 4, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ राज्यों में सीटों के तालमेल, उम्मीदवारों के चयन एवं अन्य सभी संगठनात्मक और नीतिगत मामलों में निर्णय के लिए सर्वसम्मति से पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया। बता दें कि JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 4 राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति जनगणना के मुद्दे पर देश भर में जन जागरण करेंगे जिसकी शुरुआत जनवरी में झारखंड से होगी। पंजाब केसरी TV के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।